दोस्तों, दरी अरी तो धो दी, धोधा के बताओ। सूख गई तो वापस गाड़ी में पटक दी। और यहाँ के जो खोड़े हैं ना, वो खोड़े भी धो दिए। उधर देखो, वो वहाँ पे सूख रहे। उनको मैं ये बात बोलता हूँ कि तेरी औकात है तो तू एक दिन कैमरा उठा और मेरी दुनिया में आ और 10 दिन कंटिन्यू वीडियो बना। तेरे को खुद को पता लग जाएगा कि व्यू कितना मुश्किल है लेके आना, कितने मुश्किल है सब्सक्राइब बढ़ाना। दोस्तों, फिलहाल में उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर है, ड्राइवर ने कर दिया, आपके भाई के हाथ में था नहीं। ये देखो, आपका भाई बहुत दिन उस गाड़ी पे रहा, वीडियो बनाया। अब देख लो इस साइड में, ये देखो इस साइड के अंदर। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज भी करीबन टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 और दोस्तों बाहर इतनी तेज हवा चल रही है कि क्या बताऊं। मैं यदि व्लॉग शूट करूं ना तो शायद तक कैमरे तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाएगी, खर खर की आवाज आएगी ओनली फॉर। आप खुद देख लो पेड़ पौधे कैसे हिल रहे। और दोस्तों, कल आपका भाई गया था, कटिंग वटिंग करा के आया, और कल मैंने बहुत ज्यादा काम भी किया था गाड़ी के अंदर साफ सफाई का। वो छोटी छोटी आपको क्लिपें मिल जाएगी देखने के लिए। और दोस्तों, मतलब ये जो दरी वरी है ना, सबको धो दिया। और आप अभी एक बार गाड़ी को अंदर से देख लो, गाड़ी कंपनी के अंदर से निकलती है ना तो ये चीजें नहीं दी जाती। ये तो मतलब फिर पर्सनल हम बनाते हैं हमारे सोने होने के लिए। कंपनी देती है तो ओनली फॉर ये सीट देती है, और यहाँ की सीट देती है तो यहाँ की सीट तो ऐसी की ऐसी हटवा दी। और ये सोने होने के लिए कुछ ऐसे कर रखा है सिस्टम। तो गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बोलिए दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब, फिर वीडियो को लाइक। गाइज, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यार, कर दिया अगर फटाफट 4K 5K 10K ऐसे करवा दो यार। मेरी भी बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि भाई मेरे भी मतलब यूट्यूब चैनल पे ऐसे 10K कोई देखे ना। अब भाई मिस्टर राकेश ब्लॉग का चलो चैनल देखे, आर के ट्रक ब्लॉग देखे, तो उस पर के तो दिखाई देना चाहिए 10K 20K ऐसे। दोस्तों बहुत ज्यादा इच्छा होती है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं वो ऐसे भी बोलते हैं कि यार तेरे तो सब्सक्राइबर ही नहीं है, तू क्यों वीडियो बनाता है, तेरे कोई सब्सक्राइब भी नहीं करता। तो भी देख लो दोस्तों, मतलब लोगों के मैं ताने बिल्कुल भी नहीं सुनता उनको, मैं वहां पे फटाफट जवाब दे देता हूँ। उनको मैं ये बात बोलता हूँ कि तेरी औकात है तो तू एक दिन कैमरा उठा और मेरी दुनिया में आ और 10 दिन कंटिन्यू वीडियो बना। तेरे को खुद को पता लग जाएगा कि व्यू कितना मुश्किल है लेके आना, कितने मुश्किल है सब्सक्राइब बढ़ाना। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ यार, प्लीज यार कर दिया करो, आपके और मेरे बीच की बात है, ठीक है। और आपके दोस्त को बता दो फटाफट लिंक भेज के। चलो गाइस, वीडियो की तरफ आगे चलते, वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। हेलो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 12:30। आपके भाई ने कल वाले नेक्स्ट वीडियो में बताया था ना, तरीके दोनों है। तो इधर देखो, दो तीन दरी तो उधर धो के मैंने सुखा दिया, और ये लास्ट दरी बची है, इसको और धोना है। तो मतलब कुछ ऐसे करके आपका भाई धोता है। ये हाथ में लिया सर्फ, पहले पूरी दरी पे ऐसे सर्फ पटकना है पूरी पे, अभी थोड़ा ही डाला है, मतलब ऐसे कर करके पूरी दरी पे ना सर्फ पटकना है मुझे। और फिर पानी डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, और थोड़ी देर बाद इसको और धो देंगे, क्योंकि ये सर्फ पूरी अंदर चली जाएगी दरी के अंदर। या फिर थोड़ी देर ना रुकना, जल्दीबाजी करना तो कुछ ऐसे करके, और ये जो सर्फ है इसको ये पूरी दरी के अंदर चली जाएगी ऐसे, मतलब जैसे ऊपर पैर से ऐसे घुमाते रहेंगे। दोस्तों इतना ज़्यादा मतलब काला काला कीचड़ निकला इसके अंदर से, जैसे हमारे हाथ पैर गंदे रहते हैं तो कभी गाड़ी के अंदर लग जाते हैं, तो वो सारा का सारा इसी के अंदर है पूरा कीचड़। तो इसको अब कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत सिर्फ और डाल देते हैं अभी, ठीक है। और इस पर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। दोस्तों आज तो कुछ ऐसा हुआ कि इस टंकी में पानी भी नहीं है, आपके भाई को उधर से पानी लेके आना पड़ रहा है कुछ दूरी पे जा जाके। ये देखो, अब दोस्तों कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर ये जो बुरे से इसको ऐसे आगे पीछे करता रहूँगा, तो इसमें से जितना ही गंदा है ना पानी वानी सब पूरा बाहर निकल जाएगा। फिर ये इधर जाली है, जाली के ऊपर पटक दूंगा, ठीक है। दोस्तों हमारी गाड़ी भी बिल्कुल नई है कैप्टन, भले इससे ज़्यादा नई दिखाता हूँ। ये रही देखो, NL01AH1832, और इसके लास्ट में 31 नंबर, दोनों को सेम है, इसके लास्ट में 2 है, इसके 1 है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, पूरे 10 मिनट बीत गए, एक बार दरी को चेक कर लेते हैं फटाफट, इसको धोके और उधर पटक देते हैं। दोस्तों धोने में बहुत मुश्किल होती है। अभी देखो थोड़ी देर पहले आपके भाई का पैर फिसल गया था, यहाँ पे देखो लग गई,
ये देखो वो ध्यान रखना पड़ता है पूरा, तो भी पता नहीं एकदम है ना यहाँ पे मतलब गिला गिला हो रखा था और ऐसे पैर चला गया ऐसे, तो ये जो कोर है ना इस कोर की लग गई मेरे पैर के दोस्तों। दरी हरी तो धोती धोधा के सूख गई तो वापस गाड़ी में पटक दी, और यहाँ के जो खोड़े हैं ना खोड़े भी धो दिए, उधर देखो वो वहाँ पे सूख रहे आगे की साइड में दोस्तों, बहुत टाइम लगा धोने में, पूरा साफ सफाई ऐसी हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा देखना दोस्तों। आपके भाई ने हाथ मुँह भी धो लिया और अब चलते हैं जल्दी कटिंग की दुकान पे, थोड़ी कटिंग वटिंग करा के आते हैं। और हमारी ये बाल्टी है गाड़ी में रखना है, और ये देखो इस साइड में दरी सूख रहे थे वो तो अंदर मेल दिया और अभी सूख रही है यहाँ पे खोड़े दोस्तों। आज सुबह सुबह कर दिया गाड़ी स्टार्ट, और उधर हमारे सेठ जी और ड्राइवर आ गए, और अब यहाँ से आगे का सफ़र करना है। और दोस्तों जो दूसरी वाली हमारी गाड़ी है वो नसीराबाद ही खड़ी है दोस्तों। आपने जो पीछे वाली क्लिप देखी है जो मैंने कल काम किया गाड़ी के अंदर साफ सफाई का, यार भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और आपका भाई देखो कल कटिंग वटिंग बना के आ गया, वो वीडियो के डेमो में देख लिया होगा। टाइम हो रहा है 1:10, और हम पहुँच गए ये जो कोटा सर्किल है इसके नीचे, और ये नसीराबाद वाला वही सर्किल है, कोटा सर्किल के नाम से ये फेमस है ये जगह। और अब दोस्तों गाड़ी में एक दो काम करवाना बाकी है हमारी में, और देखो जो झूला उल्ला है ना वो लगवाना है, और ऐसे पड़े हमारे बैग वेग रखने के लिए हमारे भी सुविधा हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा, काम में आएगा दोस्तों। जो यहाँ से जो झूले की फ्रेम थी ना वो देखो खोल के लेके जा रहे हैं, और उसको बनाएंगे तैयार करेंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा दोस्तों क्या बताऊँ, ऐसा झूला बनेगा। और ये हमारी वो NL भी आ गई, तो पहले यहाँ से जो खोली थी वो आपको पहले फ्रेम की साइज में दिखाई थी, और आपके भाई ने उसको मतलब पूरी निवार लेके बंद दी है, ये बिल्कुल एकदम मतलब जैसे चारपाई होती है ना खाट सेम टू सेम वैसे इसको बनाना पड़ता है। और अब ना इसको मतलब एक तो इस साइड में होल है इस कपड़े के पीछे, और एक वहाँ पे इसको वहाँ पे कसना है, ये देखो ये रे लंबे लंबे नट ठीक है, और फिर मतलब दो चेन लेके और यहाँ से ना यहाँ ऊपर की साइड में बांधना है ठीक है। अब की बार ना ये दो नहीं वापस लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये तो ये बड़े आ गए मतलब इनके साइज के नहीं इससे भी बड़े, ये देखो ऐसे दूर से कोई देखता है ना तो देखने में ये देखो बड़ा दिखाई देगा, बीच वाला ये बड़ा है इनसे भी, तो चलो एक बार चेंज करवाते हैं, उनके पास चलते हैं और उनको बोलते हैं भैया ये बड़ा है इनके साइज का। तो दोस्तों इनके साइज का तो नहीं मिला, हल्का फुल्का बड़ा ही है, बोला हाँ ठीक ठाक है चल जाएगा, पहले जितना बड़ा नहीं लग रहा है, आप खुद सोचो मतलब पहले तो यहाँ पर कुछ नहीं था, टूटने के बाद ऐसे दिन बिताए थोड़ा बहुत तो अच्छा लगेगा ना पहले से तो। और वो गार्डियन NL उसका दोस्तों काम चल रहा है अभी तक, और कुछ ऐसी कंडीशन कर दी उस गाड़ी की ड्राइवर ने मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, दिखाने जैसा भी नहीं रहा और बताने जैसा भी नहीं रहा दोस्तों। फिलहाल में उस गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, क्या करे ड्राइवर है ड्राइवर ने कर दिया, आपके भाई के हाथ में था नहीं। ये देखो आपका भाई बहुत दिन उस गाड़ी पर रहा वीडियो बनाया, अब देख लो इस साइड में, ये देखो इस साइड के अंदर देखो ये दिखाई दे रहा सामने से शो ठोक दिया। चलो मैं आपको ना एक बार नज़दीक जाके दिखा देता हूँ दोस्तों, क्या करिए आप खुद बताओ, ये ड्राइवर ने ठोका इधर से दोस्तों। आज तो और थोड़ा बहुत अच्छा तो लग रहा है ना आपको, यहाँ से ये पेटी पैक नया डलवा दिया, आप यदि कल देखते ना तो बहुत भद्दा लग रहा था, कल मेरे को बहुत भद्दा लगा तो मैंने ब्लॉग में नहीं डाला, क्यों नहीं डाला मैंने सोचा रहने दो अपनी गाड़ी है, कोई और देखेगा तो ये बोलेगा गाड़ी ठोक दिया ऐसे वैसे, तो मैंने नहीं डाला ब्लॉग में। तो जो आपको ये यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है ये अभी कलर किया है एम सील की तरह, यही देखो यहाँ पे चिपक गया, मतलब हमारा गाड़ी का भी रेडिएटर फूट जाता तो हम एम सील लगाते थे ना दोस्तों, वो एक बार पकड़ कर लेते हैं ना तो मतलब चाहे किसी चीज़ में पकड़ कर लो फिर वो उतरने का नाम नहीं लेते जल्दी से, कुछ ऐसे ही उसके ना मतलब जहाँ पे वो गड्ढे हैं लकीरें हो रखी है ना तो उनके अंदर ये एम सील भरा है। अब ये थोड़े से एक सूखेगी, सूखने के बाद इसके ऊपर सेम टू सेम ये जैसा गाड़ी का कलर वैसे का वैसा इस साइड का कलर हो जाएगा। और दोस्तों ये देखो शीशा भी बिल्कुल नया डलवाया, सब नए डलवाए, मेरे पास फ़ोटो पड़ी है, फ़ोटो मैं ना वीडियो में दिखा दूंगा आपको, मतलब वो फ़ोटो देख लेना आप ठीक है। तो उस गाड़ी का भी कलर अलर हो गया, बिल्कुल एकदम रेडी हो गई जैसे पहले थे ना वैसे की वैसे। और अब दोस्तों अब चलते हैं हमारे माल की बिल्डिंग निकला के लेके आते हैं, और मानकपुर से हमारी गाड़ी मतलब कल के वीडियो में लोड हुई थी ना तो मैंने बताया था हमारी गाड़ी जाएगी कलकत्ता, तो दोस्तों कलकत्ता नहीं जाएगी, बिल्डिंग चेंज हो गई, हमारी गाड़ी जाएगी
मतलब एक बार हमारा अंगूल गया हुआ है वहाँ पे, वो जो हैदराबाद वाले यूट्यूबर थे ना उनसे मिले थे, आपने वीडियो नहीं देखा देख लेना, और बहुत जल्द वहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ से जाने में कम से कम 3 दिन तो लगेंगे, इतना लंबा सफर। अब दोस्तों चलते हैं एक बार बाहर और आखिरी बार चाय वाय पी के आ जाते हैं, फिर यहाँ से निकलना है। और वो गाड़ी तो गई जो इधर खड़ी थी, क्योंकि उसका रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है, अलग अलग रास्ते से जाना है। बजरंग बली कर्जा बली दोस्तों, शाम का टाइम और अब निकल रहे हैं, और ये कोटा वाली रोड दोस्तों। यहाँ से ले लिया यूरिया, और यूरिया की टंकी ने बिल्कुल फुल कर दिया, 45,800 कुछ ऐसा आया, मतलब 45 लीटर, और इसमें से लमसम 50 लीटर के लमसम आ जाता है इस टंकी में। वो टंकी मतलब पहले से था 5 लीटर, इसमें यूरिया 45 लीटर वो डलवा लिया दोस्तों। अभी टाइम हो रहा है 9:27, और अभी हम चल रहे केकड़ी शहर के अंदर दोस्तों। मतलब केकड़ी आए ना तो मतलब लमसम वार हम बाईपास ही निकल जाते, क्योंकि दिन के टाइम में आते हैं तो दिन में यहाँ पे नो एंट्री रहती है, 8 बजे बाद यहाँ पे नो एंट्री खुल जाती है। अलग अलग शहर के अलग अलग नियम होते हैं, किसी शहर में 11 बजे खुलती है, मतलब जिस हिसाब से ट्रैफिक होता है ना उस हिसाब से ये सारा सिस्टम होता है। तो देख लो अभी हम केकड़ी शहर के अंदर चल रहे दोस्तों। मैं बहुत दिनों से ना मतलब सिटी के अंदर से निकल रहा हूँ गाड़ी लेके, निकला हुआ तो है मतलब ऐसे बहुत बार निकला हुआ है दोस्तों। अभी टाइम हो रहा है 11:10, और हम पहुँचे देवली के लमसम, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है देवली, और इस साइड में होटल, जा रहे खाना वाना खाने के लिए। आ जाओ दोस्तों खाना खा लो, काजू करी की सब्जी और ये रोटी, ये सलाद, आ जाओ फटाफट दोस्तों। खाना वाना खा लिया और अब निकल रहे होटल से दोस्तों। यहाँ से कोटा 81 किलोमीटर, बूंदी 45 किलोमीटर है, और खाना वाना खा के निकल गए, 4 लाइन लग गए। जैसे हम खाना खाने गए थे तो मैंने बताया था ना कि देवली नज़दीक है दोस्तों, ये देवली से रोड मिल जाती है। और दोस्तों सामने आ गई है वो बूंदी वाली टनल, और आज इस टनल का मैं शॉर्ट बनाऊंगा, फटाफट वीडियो बंद करता हूँ ठीक है दोस्तों। अभी टाइम हो रहा 3:19, और हम रुके यहाँ पे चाय वाय पीने के लिए, और यहाँ से लिया था आगरा का पेटा। उधर देखो हमारे सेठ जी खा रहे रात को ही एकदम मीठा मीठा, और आपके भाई ने भी खा लिया दोस्तों। अभी हम पहुँचे दरानाल के लमसम, और वो दरानाल की जो सिंगल रोड आती है वो आगे आने वाली, अभी तो हम 4 लाइन पे सफ़र कर रहे हैं, और अभी तक हम कहाँ पे सोए नहीं हैं। और चाय आ गई, पहले चाय वाय पी लेते ठीक है दोस्तों। पीछे की साइड में रह गया टोल, और टोल पार करके यहाँ पे रोका गाड़ी, और दोस्तों क्या बताएं अब नींद आने लग गई, और दरानाल ने पूरी पार कर दी, वो जो सिंगल रोड आती है ना वो भी पार कर दी, और अभी हम चल रहे हैं NH रोड नंबर 52 पे ठीक है। और आज की वीडियो को ये एंड कर देते हैं, तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज का वीडियो पसंद आएगा, गाइस पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।